मान्यवर, आदेश हो तो निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्वाचित राष्ट्रपति की घोषणा को पढ़ा जाए। यथे भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा भारत के राष्ट्रपति के पद के निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग में निहित है, और यतः श्री प्रणब मुखर्जी की पदावधि को की समाप्ति वर्ष 2017 के जुलाई मास के 24वें दिन तदनुसार शक संवत 1939 के श्रावण मास के दूसरे दिन होनी है, और यतः भारत के राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए संविधान तथा राष्ट्रीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम 1952 के प्रावधानों और तदाधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबंधों के अनुसार करा लिया गया है तथा इसका परिणाम घोषित कर दिया गया है। अतः अब भारत निर्वाचन आयोग ये प्रमाणित करता है कि वर्ष 2017 के जुलाई मास में के 20वें दिन तदनुसार शक संवत 1939 के आषाढ़ मास में के 29वें दिन को श्री रामनाथ जी कोविंद भारत के राष्ट्रपति पद के लिए विधिवत रूप से निर्वाचित हो गए हैं। भारत गणराज्य के 68वें वर्ष में हमारे हस्ताक्षर और भारत निर्वाचन आयोग की मोहर से आज वर्ष 2017 के जुलाई मास के 20वें दिन तदनुसार शक संवत 1939 के आषाढ़ मास के 29वें दिन को जारी किया गया। शपथ। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि रामनाथ कोविंद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। Thank you.
मान्यवर, आपका आदेश हो तो आपके पद ग्रहण की उद्घोषणा की जाए और उसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए। इसकी सूचना प्रमुख सेना केंद्रों तथा विदेश स्थित सभी भारतीय मिशनों, राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासकों को भेजी जाए। भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभागों को भी सूचना तथा आवश्यक आदेश जारी करने हेतु भेजा जाए।